आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिले में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम और एसएसपी ने किया संवेदनशील बूथों का निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए चुनाव को कराया सकुशल संपन्न। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चार पद पर गुरुवार को 4,657 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुआ मतदान। मतदाताओं में देखा गया काफी उत्साह। एडीएम फाइनेंस ने कहा, लगभग 65 से 68% हुआ है मतदान। पंचायत चुनाव की मतपेटियों में कैद हुआ प्रत्याशियों का भविष्य। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखी गई मतपेटियां। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अधिकतर महिलाएं घूंघट में आई नजर। पूर्व महापौर ने कहा, घूंघट में भी अपना कार्य बखूबी से निभाती हैं महिलाएं। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 927 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 26,614। अब तक 378 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 4,401 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। खजरी थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव में बुधवार की देर रात चुनावी रंजिश में दो गुटों में झड़प के बाद चली गोली। घायल का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। विकासखंड चरगावा के ग्राम सभा सोनबरसा में 3 बूथों पर भारी संख्या में मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। बुजुर्ग महिला और दिव्यांग युवक ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी कुछ लोग कर रहे हैं लापरवाही, नहीं लगा रहे हैं मास्क। पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, महिलाएं आए आगे, जरूर लगाएं मास्क, बचे कोरोना संक्रमण से। और चैत्र रामनवमी के अवसर पर गोलघर काली मंदिर पर श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। भक्तों ने की मां की आराधना। कोरोना प्रोटोकॉल का कराया गया पालन।